हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीत है और मैं डॉक्टर पीटर्स को ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा से जानता हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था नवंबर लास्ट ईयर और मैं आज ऑलमोस्ट एक साल पूरे हो चुके हैं। मेरा वज़न उस वक्त 144 केजीज था और मेरी वेस्ट 54 इंचेस थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई लेवल पे था, ब्लड शुगर मेरी 115 के आसपास थी, फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, और मेरा TSH फैक्टर जो था वो 7.11 था। आफ्टर वन ईयर ग्रेजुअल वेट लॉस हुआ, ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ, पूरा स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था, हमारा एक बैरियाट्रिक्स सपोर्ट ग्रुप भी बना हुआ था जिसमें हर दिन जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस हम एक्सचेंज करते थे। इन सब के बाद आस्ता आस्ता आज साल हो गया है और आज मेरा वजन जो है वो 92 केजीज है, मेरी कमर जो है 34 हो गई है, एंड सॉरी माय मिस्टेक 34 हो गई है, सर 34 हो गई है, एंड मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हॉवर करता है 130/80, 125/80 के आसपास। मेरा TSH आज 5.3 हो गया है और ब्लड शुगर मेरी 74 है फास्टिंग में, जो कि पहले 120/125/130 पे थी। ये सब चीज़ें अचीव हुई हैं दो फैक्टर्स से लेकर के, एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में जो सपोर्ट स्टाफ हुआ उसने हेल्प किया, सेकेंडली मेरे अपने डिसिप्लिन ने मुझे हेल्प किया है। दोस्तों ये आप प्लीज याद रखें कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, स्टाफ है अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हमको अपने आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ निकालनी है, हमको एक डिसिप्लिन तरीके से डाइट फॉलो करनी है। जो भी आपको डाइटिशियन डाइट देती है उसको प्लीज ठीक तरीके से फॉलो करो, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अपनी मील्स 6 मील्स कर दीजिए, 5 मील्स कर दीजिए, हाई प्रोटीन रखिए मील में और अच्छा तरीके से फॉलो अप करिए। हैविंग सेड दैट, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वन हैज टू कीप इन माइंड, एंड आउट ऑफ दैट बीइंग दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, ठीक है, एंड जस्ट आई विश ऑल ऑफ यू अ बेस्ट ऑफ लक, ट्राई दिस आउट एंड do be very very have a lot of discipline in getting your work done. Okay, thank you.